छात्रावास में व्याप्त समस्याओं का नहीं हो रहा निराकरण। गोंगलई कन्या छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंच किया प्रदर्शन, प्राचार्य को हटाने की मांग। 33 नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मान में कांग्रेसी और भाजपाई आमने सामने। और साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने मंगलवार को सेमिनार। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट शहर मुख्यालय से सटे ग्राम गोंगलई में स्थित आवासीय कन्या स्कूल और छात्रावास का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रावास में व्याप्त समस्या और गंदा पानी मिलने से छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर सोमवार को छात्रावास की छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल और छात्रावास के प्राचार्य वाई.के. डोंगरे को तत्काल हटाने और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि प्राचार्य का छात्राओं के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है और छात्रावास में शुद्ध पेयजल और सुरक्षा गार्ड की सुविधा नहीं है। बच्चों की तबीयत खराब होने पर सीनियर छात्राओं को एम्बुलेंस बुलवाकर अस्पताल लाना पड़ रहा है। कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग का आंदोलन चल रहा था लेकिन तब भी हमारी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया। बस खाने पीने में बस सुधार आया है, बाकी किसी चीज़ में सुधार नहीं आया। यहाँ तक कि हम लोग को कुछ दिनों से, मतलब आंदोलन जब से चल रहा है उसके कुछ दिनों से बच्चों को बीमार हो रहे बच्चे, तो उनको हम लोग को लेकर आना पड़ रहा है। हम लोग 12:30-1 बजे से रात में कभी भी एम्बुलेंस आती है हम लोग को लेकर जाना पड़ रहा है। वहाँ कोई वार्डन भी नहीं है जिसकी, मतलब कि हम लोग को, हम सीनियर लोग को जिम्मेदारी उठाना पड़ रहा है। 50-60 बच्चे बीमार अभी तक हो चुके हैं और एडमिट हो चुके हैं। मेरी बेटी 3-4 दिन तक बीमार थी तो मुझे कभी फ़ोन करके नहीं बताया गया। जब ज़्यादा बेहोश हो गई, सीरियस हो गई, उस समय आके चपरासी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी बीमार हो गई। तो मैं जब आया वहाँ शाम के वक्त तो प्रिंसिपल कहते कि फ़ोन से आपकी बेटी को छुट्टी नहीं देंगे, आपको शाम को दूसरे दिन आना होगा। जब मैं दूसरे दिन आया तो फिर बेटी को वहाँ लेके गया, हॉस्पिटल खुद लेके गया और एडमिट किया। 3 दिन तक मेरी बेटी एडमिट थी और उसको अभी मुझे आराम मिला हुआ है। उसको अभी निमोनिया की शिकायत हो गई थी। जब बेटी से पूछा कि बेटी ऐसा क्यों हुआ, तो बेटी ने बताया कि वहाँ जो पानी आता है पीने का वो पूरा गंदा पानी आता है, टंकी को कई दिनों से, कई महीनों से साफ नहीं किया गया। हाल ही में संपन्न हुए नगरपालिका चुनाव में 33 नव निर्वाचित पार्षदों के सम्मान के लिए सिंधी पंचायत द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन, रमेश रंगलानी सहित समाज के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने एक सामाजिक मंच के माध्यम से ये कह डाला कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, कांग्रेस को वोट देना एक गुलामी स्वीकारने जैसा होगा। यही नहीं, गौरीशंकर बिसेन ने आपातकाल और सिख दंगों को लेकर बात कही, जिस पर वहां मौजूद कांग्रेसी पार्षदों ने आपत्ति जताई और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। सम्मान के दौरान हमारे जो बालाघाट के विधायक हैं गौरीशंकर बिसेन जी द्वारा एक आपत्तिजनक यहाँ पर उन्होंने भाषण में बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए और ये वो सब बोलने के बावजूद, मेरा कहने का मतलब जब सामाजिक तौर पर आपको भी सम्मान के लिए बुलाया गया है, सम्मान लीजिए। किसी का अपमान करने के लिए यह मंच सही नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हम लोग चुनाव से निकले हैं। चुनाव में हमने आपको बहुत सी चीज़ें बोली, फिर सामने 2023 की आप तैयारी कीजिए। निश्चित तौर पर भावुक हम अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी के लिए किसी मंच पर, और वो भी ऐसा सामाजिक मंच पर 33 की 33 पार्षदों को बुलाया गया दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, वहाँ पर ये बोलना कि भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है भारतीय जनता पार्टी को आप वोट मांग लीजिए लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट मांग लीजिए, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। साइबर क्राइम को रोकने की मंशा से वैश्य महासम्मेलन बालाघाट द्वारा 27 जुलाई को 2:00 बजे से नगर के वैद्य लॉन में सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता लाने साइबर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। उक्त जानकारी वैश्य महासम्मेलन जिलाध्यक्ष तपेश पार्टी ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में दी। इस दौरान वैश्य महासम्मेलन नगर अध्यक्ष श्रेयांश वैद्य, सुभाष गुप्ता, जितेंद्र कुचेरिया, पंकज गुप्ता मौजूद रहे। और सेमिनार का मुख्य उद्देश्य साइबर के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। जो दिन पे दिन साइबर के माध्यम से जो क्राइम बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल कैसा किया जाए, उसको लेकर हम कल सेमिनार कर रहे हैं। तो सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर जवान तक, उसमें हर वर्ग उससे परेशान चल रहा है और उस परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उसकी जानकारी को लेकर हमने पुलिस विभाग के साथ मिलकर, जिला प्रशासन के साथ मिलकर कल उस सेमिनार में माननीय जिला कलेक्टर महोदय आदरणीय मिश्रा जी, हमारे जिले के SP आदरणीय समीर सौरभ जी, दोनों ही उपस्थित रहेंगे। और भोपाल से भी जो कल SP साहब ने बात की थी, हमारे दो जो इसके साइबर के एक्सपर्ट हैं
बालाघाट आ चुके हैं, तो वो भी हमें एक स्पेशल जानकारी देंगे कि हम उससे बचे कैसे। बालाघाट राजस्व क्षेत्र के ग्राम बिजोरा में तीन व्यक्तियों राजेंद्र पिता संपत, मनोज पिता सोहन और एक अन्य व्यक्ति द्वारा 11 केवी विद्युत करंट फैलाकर वन्य प्राणी घुटरी का शिकार किया गया। शिकार करने के बाद वन्य प्राणी को राजेंद्र द्वारा व्यक्तियों में बांटा गया। उसमें से एक व्यक्ति रामकिशोर और मनोज द्वारा उक्त मांस को उबाल कर घर में रख दिया गया था। सूचना पाते ही वन मंडल अधिकारी उत्तर बालाघाट सांड तथा उपमंडल अधिकारी उकवा सांड के कुशल मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर उकवा सामान्य द्वारा एक टीम बनाकर ग्राम में दस्तक दी गई, जिसमें वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा और वन परिक्षेत्र लौगूर सामान्य का वन अमला मौजूद था, जहां से संदिग्ध अवस्था में आरोपी राजेंद्र को पकड़ा गया और पूछताछ की गई। आरोपी के पूरे शरीर में बाल लगे हुए थे। राजेंद्र के बताए अनुसार ग्राम दीना टोला में रामकिशोर मेशराम के घर में पूछताछ की गई, तब रामकिशोर द्वारा वन्य प्राणी का मांस होना बताया गया। पौंडी से चिराई डोंगरी मार्ग पर एक ऑटो में सवार होकर स्कूल जा रहे बच्चों को विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से ऑटो पलट गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं उसमें सवार स्कूली बच्चे भी घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां पर बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया, साथ ही गंभीर घायलों को रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक शराब के नशे में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था, जिसके कारण संतुलन बिगड़ने से उसने ऑटो को टक्कर मार दी और एक्सीडेंट के बाद मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। हालांकि बाद में वाहन चालक को वाहन सहित पांडेवाड़ा थाना में गिरफ्तार कर लिया गया। कितने बच्चे घायल हुए इसमें? 5 बच्चे। किसको? अच्छा, काय में बैठे थे आप? एक बच्ची आई है फैंसी, तो सुनने में आया था कि कोई ऑटो पलट गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो दो बच्चियों को तो फ्रैक्चर है, एक का हाथ में है और एक का पूरा आर्म में फ्रैक्चर है। बाकी प्राथमिक उपचार करके और इमोबिलाइज हैंड को अच्छे से करके उनको रिफर कर देंगे। अभी बच्चे बाकी को मामूली चोट है, बाकी गंभीर चोट अभी किसी बच्चे को नहीं है। एमपी स्वतंत्र कंपनी बालाघाट के अंतर्गत पीजी कॉलेज बालाघाट, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय और वीरांगना विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने रैली निकाली, जो शहर का भ्रमण करते हुए जयस्तंभ चौक पहुंची, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों की याद में कैडेट्स ने पेंटिंग प्रतियोगिता में पेंटिंग बनाई, जिसकी एनसीसी अधिकारियों ने सराहना की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज अंदर में गांधी जी है, तो उसको मार्च किया था और हम लोग जो शहीद हुए जवान वो श्रद्धांजलि था। हर जब भी अवेयरनेस रैली निकालते हैं, अवेयरनेस आती है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार से रैली निकालते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।